सो एवरीवन, और एक और वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। फिलहाल जो ये दो चाबियां आप मेरे हाथ में देख पा रहे हो, ये चाबियां हमारी बिलोंग करती हैं इस प्रोडक्ट को। ये है आपके सामने 2024 MG हेक्टर और ये 100 ईयर एडिशन आपके सामने खड़ा हुआ है, जिसमें कुछ चीज़ें आपको अलग मिलती है एक नॉर्मल हेक्टर से। और ये जो 100 ईयर एडिशन है, ये आपको कुछ और इनके प्रोडक्ट्स में देखने के लिए मिल जाता है। लाइक कॉमेट में आपको देखने के लिए मिलेगा, एस्टर के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाता है, और हेक्टर में भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। हेक्टर आपके सामने खड़ी हुई है, और ये वाला पर्टिकुलर जो वेरिएंट है, इसकी प्राइसिंग की मैं बातचीत करूं तो ये आपके सामने MG हेक्टर प्लस है, और इसके ऊपर आप देख सकते हो ये 100 ईयर एडिशन है। उसमें भी ये CVT के साथ है, 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज जो पेट्रोल इंजन आता है वो है इसके अंदर। तो इसकी प्राइसिंग की मैं बातचीत करूं तो ये आपको कॉस्ट करती है 21.20 लाख रुपीज़ एक शोरूम दिल्ली फरीदाबाद के अंदर। और इस प्राइस पॉइंट पे क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं उनकी हम एक करके बातचीत करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चाबी आप देख सकते हो कुछ इस तरीके की आपको देखने के लिए मिलती हैं। यहाँ पे कंट्रोल्स की बातचीत करें तो यहाँ पे आप देखोगे डोर्स को अनलॉक करने के लिए बटन है, लॉक करने के लिए बटन है, और इलेक्ट्रिक टेल गेट आता है इसके अंदर। तो इस बटन को होल्ड करके रखोगे तो बूट खुल जाएगा, और थोड़ी देर और होल्ड करके रखोगे तो बूट बंद भी हो जाए इलेक्ट्रिकली। तो ये फंक्शन आपको इसमें देखने के लिए मिल जाता है। सेम चाबी है दूसरी भी, सेम कंट्रोल्स के साथ है, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। अभी इसको रख लेते हैं पॉकेट में। प्रोडक्ट की हम बातचीत करें तो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे मैंने इसकी डायमेंशन जो है वो शो कर दी हैं। आप आइडिया लगा सकते हो कि इसकी लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है और हाइट कितनी है, तो आपको इजी रहेगा। बाकी फ्रंट से अभी एक एक करके चीज़ों को बातचीत करें, उससे पहले आप मुझे इसकी प्रेजेंस बताओ। ये डुअल टोन में है, और ये कलर इस गाड़ी का आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले इसके अंदर ब्लैक स्टॉर्म एडिशन भी आया था, वो एक अलग स्टांस देता है, ये चीज़ जो है अलग स्टांस दे रही है। पर्सनली ये इनका जो 100 ईयर एडिशन है। अभी एक एक करके चीज़ों के बारे में बातचीत करें तो मैं आपको एक बार अनलॉक करके दिखा देता हूँ। तो काफ़ी सारे फीचर हैं, फीचर में तो लोडेड है गाड़ी, उसमें कोई दो राय नहीं है। फ्रंट में आप यहाँ पे देखोगे DRLs वगैरह यहाँ पे मिलती हैं, और ये इंडिकेटर्स का भी जो वर्क है वो करती हैं। और कलर के अंदर आप देख सकते हो शाइन क्या गजब की है, एकदम मतलब एकदम प्रीमियम सा जो ग्रीन कलर है ना, वो है एवरग्रीन है इस कलर का नाम, बाय द वे आपको बता दूं मैं। ये आप देख सकते हो यहाँ पे इसकी DRLs हैं जो इंडिकेटर्स का वर्क करती हैं। नीचे आप देखोगे यहाँ पे डुअल प्रोजेक्टर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, जो कि आपको वाइट लाइट ही ऑफर करेंगे, और लो बीम हाई बीम के लिए अलग अलग यहाँ पे चेंबर्स जो हैं वो आपको मिल जाते हैं। नीचे LED बेस आपको फॉग लैंप दिए हुए हैं, फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स भी हैं, यहाँ पे टोइंग हुक की प्लेसमेंट आपको मिल जाती है। ग्रिल की बातचीत करते हैं तो आप देख सकते हो काफ़ी प्रीमियम सी, काफ़ी बोल्ड सी और काफ़ी बड़ी सी यहाँ पे ग्रिल आपको मिलती है। क्रोम के काफ़ी सारे इंसर्ट्स मिल जाते हैं, MG का यहाँ पे लोगो है, 360 डिग्री कैमरा यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। और नीचे की साइड आप ये चीज़ें जो आप देखोगे, जितना भी क्रोम वर्क है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे भी, ये सब आपको डार्क क्रोम में देखने के लिए मिलता है, जो कि इस तरीके के कलर के साथ पर्सनली काफ़ी ज़्यादा शूट करता है। ये आप देख सकते हो बहुत अच्छी प्रेजेंस आ रही है इस कलर के अंदर। बाकी जब धूप में निकलेगी गाड़ी तो एक्चुअल में समझ में आएगा कि ये कलर कितना ज़्यादा प्यारा लगता है। बाकी साइड से बातचीत करें, यहाँ पे आप देखोगे तो क्लैडिंग का जो रेशियो है टायर्स के ऊपर अच्छा खासा है, जितनी बड़ी SUV है उसके हिसाब से रेशियो अच्छा खासा है, और प्रोफाइल को सूट भी करता है। यहाँ पे टायर्स वगैरह की बातचीत भी हम साथ के साथ कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो टायर्स हैं फिलहाल वो है यहाँ पे गुडियर के, टायर सेक्शन जो है वो है यहाँ पे 215/55R18 18 इंच के ग्लॉसी ब्लैक यहाँ पे अलॉयज हैं आगे, और पीछे आपको डिस्क ब्रेक ही देखने के लिए मिलती है। कैलिपर्स जो आप देख पा रहे हो ये आपको रेड हाईलाइट में देखने के लिए मिलते हैं। और इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस की बातचीत हम करें तो ये गाड़ी आपको ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर करती है 192 mm की, जो कि इस तरीके की गाड़ी के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाती है। और डोर पैनल्स पे भी आप नीचे की साइड यहाँ पे देखोगे, ये जो चीज़ें आप देख पाओगे, जो रेशियो है नीचे के लोअर फ्रेम का, जो बिडिंग का पार्ट है वो भी अच्छा खासा यहाँ पे दिया हुआ है। और जो क्रोम यहाँ पे यूज़ किया गया कलर के साथ, ये देखो शायद आपको समझ में आए, काफ़ी मतलब एक अलग सा स्टांस देता है, ऐसा लगता नहीं है कि प्रोफाइल को सूट नहीं कर रहा, तो काफ़ी अच्छा स्टांस यहाँ पे देता है। मॉरिस ग्राजेज यहाँ पे भी मेंशन है, और यहाँ दोनों ही साइड आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने के लिए मिल जाते हैं, को पैसेंजर साइड भी और ड्राइवर साइड भी। और इसके अंदर वो फीचर भी आता है, जब भी चाबी गाड़ी से दूर जाती है तो ये ऑटोमेटिकली लॉक अनलॉक हो जाती है। और ये आप देख सकते हो इसकी रेयर प्रोफाइल, और अभी आपको शायद कलर अच्छे तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि पीछे की साइड से रिफ्लेक्शन आ रहा था, फ्रंट में इतना आइडिया नहीं लगा होगा आपको, बट अभी आपको शायद अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी मैं क्या समझाना चाह रहा था, कि कितना ज़्यादा प्रीमियम लगता है कलर। बाकी फ्रेम लाइन क्रोम की प्रॉपर दी हुई है, ऊपर की साइड ये डुअल टोन है इसका कलर टोन जो है, तो ऊपर की साइड रूफ रिल्स वगैरह हैं जो कि अगेन ग्लॉसी ब्लैक यहाँ पे दी हुई हैं, और यहाँ पे पूरी पैनोरामिक सनरूफ आती है, और इधर साइड शार्फिन एंटीना है, स्पॉइलर है, स्टॉप लैंप है, डिफॉगर है, वाइपर है, और पीछे की साइड से भी आप देख सकते हो कुछ इस तरीके की दिखती है। कलर टोन जो है वो शानदार है, इसमें कोई कमी नहीं है, ना ही कोई कंप्लेंट है 1% की।
बढ़िया से टेल लैम्प्स मिलते हैं कनेक्टेड, रात के टाइम बहुत ही प्यारे लगते हैं। अगेन यहाँ पे क्रोम का जो यूज़ किया गया है कलर के साथ सटल लगता है अच्छा। और यहाँ पे MG का लोगो है, रिवर्स कैमरा की प्लेसमेंट है, और यहाँ पे आप देख भी सकते हो थोड़ा हाईलाइट किया गया है इस चीज़ को 100 ईयर एडिशन को। हेक्टर यहाँ पे मेंशन है और प्लस यहाँ पे मेंशन है। नीचे की साइड एक्स्ट्रा लाइट्स आपको मिल जाती हैं जो कि प्रैक्टिकल यूज़ के लिए यहाँ पे दी, क्योंकि जो पूरा टेल लैंप्स का सेटअप है वो टेल गेट के ऊपर ही है, तो जब भी ये खुलता है तो ये लाइट जो है नीचे की साइड यहाँ पे शिफ्ट हो जाती है, ये जलती है। भाई बता दूँ मैं आपको, पीछे भी आपको 4 पार्किंग सेंसर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। ये थोड़ा डिज़ाइन एलिमेंट है और यहाँ पे भी आप देख सकते हो एकदम डार्क क्रोम दिया हुआ है। ये आप देख सकते हो थोड़ा पास से 1x पे, तो यहाँ पे आपको वो चीज़ मिल जाती है। और जो स्पेयर व्हील है वो आता है गाड़ी के नीचे ही यहाँ पे। और अब इसके बूट की बातचीत करें तो यहाँ पे जो टेल गेट आप देख रहे हो ये इलेक्ट्रिकली खुल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट आता है यहाँ पे। तो इसको खोलने के लिए आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं, लाइक यहाँ पे बटन भी आपको मिल जाती है और ये यहाँ से भी आप खोल सकते हो, अंदर की साइड से भी खुल जाएगा। और अगर चाबी थोड़ी ज़्यादा देर पीछे की साइड रहती है इसके और ये डिटेक्ट कर लेती है उस चीज़ को, तो भी बूट खुल जाएगा। मान के चलो आपके दोनों हाथ में सामान है तो भी अपने आप डिटेक्ट करके बूट को खोल देता है। बाकी मैं आपको इसको चाबी से ही खोल के दिखा देता हूँ। ये थोड़ी देर आपको होल्ड करनी पड़ेगी बटन और ये इलेक्ट्रिकली कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है यहाँ पे बूट। और यहाँ ये आप देख सकते हो पीछे सीट्स दी हुई हैं क्योंकि प्लस है ये, तो यहाँ पे पीछे रियर सीट्स आती हैं थर्ड रो के अंदर। और यहाँ पे स्पेस की बातचीत करें तो ऑलमोस्ट 1.5 लीटर्स के आसपास की स्पेस यहाँ पे आपको मिल जाती है अगर ये सीट आप ऐसे यूज़ करते हो। और अगर आप इसको फोल्ड कर देते हो सीट्स को तो ये इंक्रीज़ हो जाती है ऑलमोस्ट 500 लीटर्स तक, बाकी सही है। और बच्चों के हिसाब से यहाँ पे डिसेंट स्पेस भी आपको मिल जाती है। कंट्रोल्स भी आपको साथ के साथ दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे आपको एक चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है USB आई गेस, तो ये आप देख सकते हो USB चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे रियर एसी वेंट्स दिए हुए हैं और इधर साइड इनका फ्लो वगैरह कंट्रोल करने के लिए अलग से बटन वगैरह जो है वो मिल जाती हैं आपको। और ये हैं सारी चीज़ें, ये आप देख सकते हो। और इसको बंद करने के लिए यहाँ पे प्रॉपर बटन दी हुई है, एक बार आप इसे दबाओगे तो ये ऐसे बंद हो जाता है। बाकी आप चाबी से भी इसको बंद कर सकते हो, वही सेम प्रोसीजर रहेगा, इसको होल्ड करके रखोगे और ये बंद हो जाएगा। सो अभी चलते हैं इसके इंटीरियर में, इंटीरियर की बातचीत करते हैं कि इंटीरियर में क्या क्या चीज़ें आपको अलग से देखने के लिए मिलती हैं, क्योंकि कलर तो देखो बाहर से अटेंशन ग्रैब करने वाला है डेफिनेटली। इंटीरियर की बातचीत करते हैं तो ये ड्राइवर साइड डोर है, ये आप देख लो थोड़ा और करीब से, ये देखो। और डोर पैनल जो है काफ़ी बड़े बड़े हैं, प्रॉपर नीचे तक खुलते हैं ये, तो इसमें भी आपको एक सहूलियत रहती है कि गाड़ी कितना ही मड में चले आप जब भी उतरोगे तो आपके कपड़े यहाँ पे गंदे नहीं होने वाले इस पोर्शन की वजह से, क्योंकि पूरा नीचे तक ये कवर्ड रहता है। आप देख सकते हो अच्छे तरीके से ये चीज़ दी हुई है यहाँ पे। डोर पैनल्स की यहाँ पे बातचीत करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो फुल ब्लैक थीम है, यहाँ पे स्टिचिंग वगैरह दी हुई है, फुल्ली लेदर है, सॉफ्ट टच है यहाँ पे भी। यहाँ पे भी डोर लिवर्स जो हैं काफ़ी स्टडी हैं, इन्फिनिटी का साउंड सिस्टम है तो यहाँ पे इन्फिनिटी की बैजिंग आपको मिल जाती है। ये चारों पार विंडोज़ के कंट्रोल हैं, डोर्स के लॉक हैं, विंडोज़ के लॉक हैं, स्पीकर है, बोतल होल्डर है। यहाँ पे इसका प्लेट्स आपको दी हुई हैं मॉरिस गैराजेस की, इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट के साथ यहाँ पे आपको सीट्स मिल जाती हैं आगे वाली दोनों ही। एयरबैग के यहाँ पे टैग्स आपको दिए हुए हैं और सीट्स की अपोल्स्ट्री आप देखो कितनी फाइन है, मतलब देख के ही लगता है कि प्रीमियम चीज़ कोई आपने मतलब ख़रीदी है। ऐसे इंटीरियर जो है डेफिनेटली आपको एक सुपर प्रीमियम वाइब देने वाला है इस प्राइस पॉइंट पर। बाकी अंदर की साइड आप देखोगे तो यहाँ पे जो हेडरेस्ट ना फ्रंट वाले, इनके ऊपर भी MG 100 ईयर्स एडिशन मेंशन है, यहाँ पे भी और वहाँ पे भी। और ये कुछ इस तरीके से हैं, थोड़ी डार्क वाइब है इसके अंदर। अभी इंटीरियर में चलें उससे पहले दो तीन चीज़ें और दिखाता हूँ आपको, जैसे कि यहाँ पे दी हुए है कंट्रोल्स। यहाँ पे अपने ORM के कंट्रोल हैं, लाइट लेवलिंग डायल है, क्लच टैग इल्यूमिनेशन कम ज़्यादा करने के लिए यहाँ पे बटन है, और जो मैंने बताया था बूट आप अंदर से भी खोल सकते हो तो उसके लिए ये बटन यहाँ पे दी हुई है। स्पेस वगैरह है यहाँ पे, नीचे साइड फ्यूल लिड खोलने का लेवर है, बोनट खोलने का लेवर है, दो पैडल्स हैं, डेड पैडल की प्रॉपर यहाँ पे प्लेसमेंट आपको मिल जाती है। और स्टीयरिंग की बातचीत करें तो आप देख सकते हो 1x पे ही फुल्ली लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील है, क्रूज कंट्रोल यहाँ पे है, अपने मीडिया के कंट्रोल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। और अभी चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में, इंटीरियर में क्या क्या चीज़ें उनकी बातचीत करते हैं एक एक करके, और फील क्या है इसकी मैं आपको कोशिश करता हूँ अच्छे तरीके से समझाने की, कि मैं आपको बता पाऊँ कि एग्जैक्टली आप क्या फील करोगे जब इस गाड़ी के अंदर आप बैठते हो। तो ये चीज़ मैं लगा लेता हूँ दरवाज़ा, इसका सॉलिड थर्ड आती है, मतलब आप इसको खींचोगे भी खोलोगे भी तो भी आपको जो वेट है वो अच्छा फील कराएगा कि हाँ भाई कोई सॉलिड चीज़ आपने ली है। बाकी यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन दी हुई है, जैसे मैं एक बार दबा देता हूँ तो ये चीज़ें ऑन हो जाती हैं कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हो ये चीज़ ऑन हो चुकी है, इंफोटेनमेंट सिस्टम इसका। इसको ऑन करने के लिए ये बटन जो है एक बार और प्रेस करनी पड़ेगी,
और ये यहाँ पे ऑन हो चुका है क्लस्टर। ये फुल्ली डिजिटल है और नंबरिंग वगैरह की बातचीत कर लो, जो रेशियो है इसका वो आप देख लो, और जो एक्यूरेसी है इसकी वो भी आप देख सकते हो। बाकी आप देख सकते हो 1x पे काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प है, क्लियर हैं सारी चीज़ें, और जितनी भी इन्फॉर्मेशन गाड़ी से रिलेटेड यहाँ पे आप देखोगे सब आपको डिजिटल फॉर्म में ही देखने के लिए मिलेगी। बाकी यहाँ पे अपने वाइपर्स के कंट्रोल हैं इधर की साइड, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में हेडलैम्प्स और इंडिकेटर्स के कंट्रोल दिए हुए हैं, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स यहाँ पे आ जाते हैं। स्टेयरिंग व्हील आप देख सकते हो फुल्ली लेदर रैप्ड है, ये मैंने आपको दिखा दिया, नीचे से फ्लैट बॉटम भी है। और इसकी एडजस्टमेंट की बातचीत करें तो यहाँ पर एक लिवर जो है वो आपको मिलता है नीचे की साइड, तो यहाँ पर टिल्ट एंड टिल्ट का ही सिर्फ आपको ऑप्शन मिलेगा, टेलीस्कोपिक ऑप्शन नहीं है। और इन हैंड फील अच्छी है स्टेयरिंग की, नो डाउट। यहाँ की बातचीत एक सेकंड में करते हैं, उससे पहले आपको ऊपर दिखा देता हूँ, पूरी पैनोरामिक सनरूफ आती है जो कि आपको अगेन एक काफ़ी अच्छी वाइब देगी, और इसका कर्टन भी काफ़ी ज़्यादा हैवी है, वो भी आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो ये सनरूफ को खोलने के लिए, और आपको सिर्फ कर्टन आगे पीछे करना हो तो उसके लिए दो अलग से बटन दी हुई हैं, ये है कर्टन को आगे की साइड वापस लाने के लिए। तो ये आप देख सकते हो काफ़ी हैवी कर्टन है, थोड़ी भी लाइट मतलब इसके आर पार नहीं होने देता है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। बाकी ऊपर की साइड से जो हेडलाइनर वगैरह ये सब बेज है, यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है लाइट के साथ, वाइट लाइट आती है यहाँ पे, ये कुछ इस तरीके की अगेन वाइट लाइट आपको मिलती है, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। सनग्लास होल्डर की प्लेसमेंट है, चीज़ें प्रीमियम भी हैं, और एक ऑटो डिमिंग IRVM यहाँ पे दिया हुआ है। और इधर की बातचीत करें तो यहाँ पे भी वैनिटी मिरर है लाइट के साथ, और यहाँ पे टिकट होल्डर की प्लेसमेंट भी है, और मटेरियल जो है काफ़ी सॉलिड है। अभी डैशबोर्ड की बातचीत करें तो ये आप देख सकते हो लेआउट्स काफ़ी अच्छे हैं, अगर आपको ब्लैक इंटीरियर्स पसंद है तो ये गाड़ी आपका दिल जीत लेगी, क्योंकि फीचर्स में कोई कमी है नहीं, लेआउट्स शानदार हैं, प्रीमियम है, और जो फील है सारी चीज़ों को मिला के ओवरऑल जो फील है वो शानदार है, उसमें भी कोई कमी यहाँ पे नहीं है। और आगे इनकी बातचीत करें तो AC वेंट्स इनके चारों तरफ आप देख सकते हो, ग्लॉसी ट्रिम्स दी हुई हैं, काफ़ी बड़ी सी इंफोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पर आपको मिलती है। इसके अंदर भी एक चीज़ जो चेंज हुई है वो ये है इसकी थीम, यहाँ पर आप देख सकते हो ग्रीन ग्रीन जो पैटर्न हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। अब ये देखो, मतलब इस 100 ईयर एडिशन के अंदर ये आपको जो पैटर्न्स हैं ये आपको थोड़े ग्रीन कलर के देखने के लिए मिलते हैं, जो कि एक नॉर्मल हेक्टर से थोड़ा अलग है यहाँ पे। और जितने भी कंट्रोल्स हैं AC से रिलेटेड, अपने मीडिया से रिलेटेड जितने भी हैं, सब आपको टच में ही मिलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कोई फिजिकल बटन नहीं है, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पे है, और नीचे की साइड यहाँ पे वायरलेस चार्जर आपको मिल जाता है। यहाँ पे आप देखोगे तो वायरलेस चार्जर है, इधर की साइड एक USB पोर्ट है चार्जिंग के लिए, ये आप देख सकते हो इधर की साइड ये रहा, और ऐसा ही एक USB पोर्ट इधर की साइड भी है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये कुछ इस तरीके से। तो ये दो USB पोर्ट्स भी हैं यहाँ पे, इसको एक सेकंड बंद कर देते हैं, ये हो गया यहाँ पे बंद, और यहाँ पे वायरलेस चार्जर है। ये कुछ ऐसा आता है यहाँ पे गियर नॉब, ये आप देख सकते हो बढ़िया एकदम, काफ़ी अच्छी सी फील देता है। ये चीज़ें जो हैं ये आप देख सकते हो कितनी प्यारी लगती हैं, PRNDS के यहाँ पे सिंबल्स हैं, ईको की यहाँ पे प्रॉपर बटन दी हुई है। आगे की दोनों सीट जो आप देख रहे हो ये वेंटिलेशन के फंक्शन के साथ आती हैं, तो ये यहाँ पे इनके कंट्रोल जो हैं वो दिए हुए हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल की बटन दी हुई है, AC मैक्स की बटन यहाँ पे आती है, और हेजालाइट की बटन यहाँ पे, तो ये कंसोल ये आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा। कप होल्डर्स हैं जो कि कुछ इस तरीके से हाइड भी हो जाते हैं, ये आप देख सकते हो कुछ ऐसे। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है, एडजस्ट स्टार्ट स्टॉप वाली बटन है, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स को ऑन ऑफ करने के लिए बटन है, और रेयर AC वेंट्स को ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे बटन दी हुई है। आर्मरेस्ट है जिसके अंदर अच्छी खासी बड़ी बकेट आती है, और एक 12 का चार्जिंग सॉकेट भी दिया हुआ है, ये जो आप देख पा रहे हो ये रहा एक 12 का चार्जिंग सॉकेट इसके अंदर दिया हुआ है, काफी बड़ा सा आर्मरेस्ट है, और ये देख सकते हो आप स्लाइड भी हो जाता है कुछ इस तरीके से, सही है ये भी। यहाँ की बातचीत करें तो अच्छा खासा ग्लो बॉक्स आपको देखने के लिए मिलता है, स्पेस भी अच्छी खासी है इसके अंदर। बाकी जगह जगह पे आपको सॉफ्ट टच जो है वो देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे डोर पैनल्स पे, यहाँ पे आप देखोगे ये आपको सब सॉफ्ट टच ही देखने के लिए मिलेगा। तो ये थी सारी चीज़ें, कुछ रह जाए तो प्लीज़ पूछना कमेंट्स में। अभी इसकी रियर स्पेस दिखा देता हूँ कि पीछे सीट पे क्या चीज़ें आपको अलग मिलती है, कम्फर्ट कैसा मेनली गाड़ी का, और ओवरऑल चीज़ें कैसी हैं। तो अभी चलते हैं डायरेक्टली पीछे। सो अभी बात करते हैं गाड़ी के रियर स्पेस के बारे में। यहाँ पे भी आप देख सकते हो क्रोम की स्ट्रिप्स वगैरह जो है वो आपको दी हुई हैं, और शीशों के ऊपर भी MG मेंशन है। डोर पैनल्स की बातचीत करते हैं तो ये देखो आप थोड़ा और क्लियर तरीके से, यहाँ पे आप देख रहे हो सब कुछ ब्लैक है, अगेन काफ़ी बड़े बड़े से डोर पैनल्स हैं, प्रॉपर सॉफ्ट टच दिया हुआ है, डोर लिवर, इन्फिनिटी की बैजिंग, पावर विंडो की कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा स्टडी है। अगेन यहाँ पे स्पीकर है, बोतल होल्डर है, इसका प्लेट्स हैं MG की, ये आप देख सकते हो मॉरिस गराजेस मेंशन है यहाँ पे, और ये आप देख सकते हो 60-40 का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है। पहली चीज़ ये सीट जो है पीछे रिक्लाइन भी हो जाती है, अगर पीछे कोई नहीं बैठा है तो अपनी कम्फर्टेबल पोजिशन पर आप इनको कर सकते हो, ये आगे पीछे स्लाइड भी हो जाती हैं। यहाँ पे 3 एडजस्टेड हेडरेस्ट हैं, आगे ये भी हैं, पीछे भी एडजस्टेड हेडरेस्ट हैं, टोटल मिला के 7 एडजस्टेड हेडरेस्ट इस गाड़ी के अंदर आते हैं। आर्मरेस्ट है, कप होल्डर्स के साथ है, और अपोल्स्ट्री देखो
जो चीज़ आपका दिल जीतेगी यहाँ पे वो है इसकी अपोस्ट्री। ये देखना क्या सुपर फाइन लगती है, फिटिंग देखो आप इन चीज़ों की। अभी चलते हैं अंदर, अंदर क्या चीज़ें वो आपको दिखाता हूँ एक बार। और एक चीज़ जो आप नोटिस करोगे यहाँ पे, एकदम फ्लैट सरफेस है, कोई हम्प यहाँ पे नहीं है, तो तीन बंदे भी चाहें तो यहाँ पे आराम से बैठ के जा सकते हैं, उनको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा अपने कम्फर्ट के साथ। बाकी यहाँ पे पॉकेट आप देख सकते हो दोनों ही सीट्स पे, रेयर एसी वेंट है। और यहाँ पे आप देखोगे नीचे एक साइड एक USB पोर्ट है चार्जिंग के लिए, थोड़ी स्पेस वगैरह यहाँ पे मिल जाती है। बाकी ये लेग रूम है यहाँ पे, थाई रूम में कोई इशू नहीं है। और ये हेड रूम भी आप देख सकते हो कितना है मेरे पास, मैं आराम से बैठा हुआ हूँ, कोई इशू यहाँ पे नहीं है मुझे। पूरी पैनोरामिक रूफ आती है, ये मैंने आपको बता दिया। एक दो तीन ग्रैब हैंडल्स हैं कुछ इस तरीके के, यहाँ पे एकदम बढ़िया वाइट लाइट आपको मिल जाती है। सीट बेल्ट जो है ये हाइट एडजस्टमेंट के साथ हैं, प्लस पे भी आपको एयरबैग के टैग मिल जाते हैं। और यही हैं सारी चीज़ें, काफ़ी खुली खुली सी, काफ़ी बड़ी बड़ी सी लगती है। और अगर आपको पीछे बैठ के ट्रैवल करना पसंद है तो ये आपकी एक प्रीमियम कार लेने की जो इच्छा है उसको डेफिनेटली पूरा कर सकती है, क्योंकि इसके अंदर वो बातचीत है। बाकी ये है पीछे से डैशबोर्ड का व्यू। अभी इसका इंजन कंपार्टमेंट आपको दिखा देता हूँ कि इंजन कंपार्टमेंट कैसा है और क्या पावर फिगर्स हैं उसकी। यहाँ से कुछ रह जाए तो प्लीज़ पूछना कमेंट्स में। तो अभी बात करते हैं इस शानदार सी गाड़ी के अंदर आने वाले इस शानदार से टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन के बारे में। तो यहाँ पे आप देखोगे फर्स्ट ऑफ ऑल इंसुलेशन पैडिंग वगैरह आपको मिल जाती है, जो कि एक अच्छी चीज़ है, थोड़ा केबिन नॉइज़ को कम करने के लिए काम आती है। बाकी इंजन की यहाँ पे बातचीत करें तो एज इट इज़ यहाँ पे आप देख सकते हो साफ साफ मेंशन है MG टर्बो। तो यहाँ पे आपको मिलता है 1.5 लीटर का टर्बो चार्ज फोर सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो कि आपको डेवलपर के देता है ऑलमोस्ट 141 BHP, 250 Nm का टॉर्क और 1 लीटर पेट्रोल के अंदर कंपनी क्लेम कर देती है 12 KMPL की माइलेज। बाकी नीट एंड क्लीन से सारी चीज़ें ये आप देख सकते हो। ये है इसका पूरा इंजन कंपार्टमेंट, एकदम क्लियर किया हुआ है सब कुछ, ऐसे एक्सपोज नहीं हो रहा कुछ भी। और यार देखिए तो शानदार सी चीज़ है। सो इसको एक सेकंड बंद कर लेते हैं, फिर मिलते हैं फटाफट से। तो ये थी आपके सामने 2024 MG हेक्टर प्लस, और ये इसका 100 ईयर एडिशन था आपके सामने। आई होप आपको अच्छी लगी होगी गाड़ी और ये एडिशन भी, पर्सनली इसका ये कलर जो कि मुझे तो काफ़ी पसंद आया। आपको कितना पसंद आया मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर से बताना, 10 में से कितने नंबर दोगे इस कलर को और इस कॉम्बिनेशन को। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और हम फिर मिलते हैं किसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय।